आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल IVF और ICSI के बारे में। इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जिसमें हम महिलाओं के अंडे को शरीर से बाहर निकालकर पुरुष के स्पर्म्स के साथ में मिलाकर उन्हें निषेचित करते हैं तथा बाद में जब भ्रूण बन जाता है तो इसी भ्रूण को आपकी बच्चेदानी में वापस डाल देते हैं। तो ये जो अंडा और स्पर्म यानी शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया है, इसे हम दो मेथड्स द्वारा कर सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल IVF और दूसरा है ICSI। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अभी ICSI क्यों बढ़ गया है और IVF का प्रोसीजर क्यों कम हो गया है, इस बारे में आज बात करेंगे। कन्वेंशनल IVF में हम महिला के शरीर में से अंडों को बाहर निकालकर एक डिश में उनको स्पर्म्स के साथ छोड़ देते हैं और स्वतः ही निषेचित होने देते हैं। इस प्रक्रिया में एक अंडा अपने स्पर्म का सिलेक्शन खुद करता है और इस तरह एक भ्रूण बनाता है। जबकि ICSI प्रोसीजर में हम एक अंडे में एक इंजेक्शन के द्वारा एक स्पर्म को छोड़ देते हैं और इस तरह से एक भ्रूण को बनाते हैं। तो पहले जब ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हम लोग कन्वेंशनल IVF ही ज़्यादा करते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि अगर एक अंडा एक एग एक स्पर्म को सिलेक्ट नहीं कर पाए और उसका स्वतः निषेचन नहीं हो पाए तो हम लोग को एम्ब्रियो नहीं मिलते थे और इस कारण से ये पूरी प्रक्रिया फेल हो जाती थी। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आती थी कि एक अंडे को दो स्पर्म्स एक साथ निषेचित कर दें, इस कंडीशन में भी जो भ्रूण बनता है वो हम लोग के लिए बेकार होता है। कभी कभी शुक्राणु की मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, इस कारण उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो एक एग को भेद पाएँ और वो एक भ्रूण का निर्माण नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब मुश्किलों के चलते आजकल ICSI का प्रोसीजर ज़्यादा बढ़ गया है। ICSI में हम स्पर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं? ICSI में हम एक स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी संरचना और उसकी मोटिलिटी यानी कि उसके बढ़ने की क्षमता दोनों को देखते हैं। एक शुक्राणु में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका एक हेड, उसकी एक नेक और एक टेल, ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इनमें कहीं भी कोई डिफेक्ट होता है तो ऐसे स्पर्म को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते। मोटिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्पर्म बढ़ने में ज़्यादा सक्षम है। जिस स्पर्म की मोटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ऐसे स्पर्म को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम एक स्वस्थ स्पर्म का सिलेक्शन खुद कर रहे हैं। कभी कभी जब पुरुष में स्पर्म्स की क्वांटिटी कम होती है या संख्या कम होती है तब हम ICSI का प्रोसीजर करते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है। कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि पुरुष के टेस्टिस में शुक्राणु हैं लेकिन आगे किसी अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते। इस कंडीशन में हम पुरुष की टेस्टिस में एक चीरा लगाकर कुछ स्पर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं और ICSI के प्रोसीजर के द्वारा एग्स को निषेचित कराते हैं। अब ये सवाल उठता है कि IVF कन्वेंशनल IVF या ICSI या जो नॉर्मल तरीके से बच्चे होते हैं, क्या इनमें कोई अंतर होता है? तो हम लोग के पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ये देखा गया है कि चाहे ये IVF से बच्चा हो, चाहे ICSI से बच्चा हो, चाहे एक नॉर्मल बच्चा हो, इन बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, ये हर तरीके से समान होते हैं।